सभी का प्रगति विज्ञान संस्था के यूट्यूब चैनल विज्ञान आओ करके सीखने में। अब पहली और अब वर्तमान की जो विज्ञान वो है उसमें क्या वो है? देखिए आज विज्ञान शिक्षण और आज से 20-25 साल पहले जो विज्ञान शिक्षण की व्यवस्था थी उसमें खास जो अंतर मुझे आज दिखाई दे रहा है विद्यालयों को देखने के बाद कि हम विद्यार्थियों को लेबोरेटरीज से वंचित कर रहे हैं। प्रैक्टिकल्स जितना ज्यादा हम कराएंगे बच्चों में विज्ञान के प्रति उतनी ही जिज्ञासा उत्सुकता बढ़ती है। खासतौर से जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जब हम विज्ञान के सिद्धांतों को करके दिखाते हैं तो वो उसे कभी भूलते भी नहीं है, उनमें विज्ञान के प्रति एक रुझान भी पैदा होता है और जिज्ञासा भी पैदा होती है। ये जो केवल लेक्चर के माध्यम से विज्ञान को पढ़ाने की बात विद्यालय में होती है इससे बच्चों में एक तरह से विज्ञान के प्रति अरुचि पैदा होती है, विज्ञान के जो सिद्धांत हैं जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझने में भी कठिनाई होती है। तो जरूरत इस बात की है कि हम विद्यालयों में ज्यादा से ज्यादा लेबोरेटरी वर्क कराएं, जो छोटी क्लासेस हैं उनमें भी जो छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं जो विभिन्न सिद्धांतों को एक्सप्लेन करने में यूजफुल होती है उन सबको हमें बच्चों को करके दिखाना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। जब आप शारीरिक सौंदर्यता बढ़ानी होती है तो आप जिम में जाते हैं, लेकिन जब आपको पर्सनैलिटी तो इम्प्रूव करनी हो साथ साथ ही मानसिक पर्सनैलिटी इम्प्रूव करनी हो तो आप कहाँ जाएंगे? उसके लिए आपको जाना होगा विज्ञान के जिम में। देश का पहला विज्ञान जिम कहें या यो कहें कि देश का पहला विज्ञान चैनल है विज्ञान आओ करके सीखे। प्रगति विज्ञान संस्था का यह चैनल अपने आप में एक विज्ञान जिम है जहां पर आपकी और आपके बच्चों की मानसिक पर्सनैलिटी इम्प्रूव होती है। इस प्रकार की वीडियो या साइंटिफिक एक्टिविटीज से अपडेट रहने के लिए इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए।